Hey guys, what's up? This is Vin. A very good morning to all of you. And बस नाउ गोइंग टू शालीमार. अब बजे है 8:30 और हमारी बस शायद अराउंड 11 या 11:30 बजे तक शालीमार पहुँचेगा. तो पता नहीं अभी, लेट्स सी. Hey guys, this is Stan here. विनायक अभी सो गया है तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ. We are still in bus और हम लोग 2x2 स्लीपर सीटिंग बस में हैं और हमने स्लीपर कंपार्टमेंट लिया हुआ है. एज यू कैन सी स्लीपर कंपार्टमेंट के फायदे ये होते हैं कि आप उसमें बैठ भी सकते हो, अपना सामान भी रख सकते हो और जब ज़रूरत पड़े सो भी सकते हो. पर हम सामान की वजह से थोड़ा अनकंफर्टेबल हुआ था, जैसे कि ये सब, पर मैनेज कर लिया हम लोग ने. स्टिल वी आर लाइक one and a half hour away from हावड़ा शालीमार. अब और पर व्यू यहाँ से बहुत ही अच्छा है. हैव अ लुक. कोई नाचने वाली नहीं, राजा छत्रसाल की बेटी है और इस वक्त पेशवाई की महिमा अलक्षा. हम खिलजियों ने साथ मिलकर एक ख्वाब देखा था कि हमारा परचम सारे जहां पे ले रहेगा. कसम खाई थी हमने कि एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए. लेकिन आज इस मुश्किल तरी वक्त में आप हमें छोड़ के जा रहे हो. भूल जाओ इस ख्वाब को. कपूर किधर गया मेरा? भूल जाओ. चिंडा है उठाएगा ना. बस बस हेलो गाइस. सो अब हम हैं शालीमार एक्सप्रेस में और मैं अभी खा रहा हूँ गुड डे कैशनट कुकीज़, जो कि मेरा काइंड ऑफ फेवरेट
तो वैसे तो मुझे कुछ चीज़ें रिकॉर्ड करनी थी कल, बट मैंने नहीं किया क्योंकि हम काफ़ी मस्ती कर रहे थे, फ्रेंड्स थे सब, बिजी भी थे. तो अभी हमने थोड़ा फ्री टाइम मिला तो हम उस वजह से कर रहे हैं. सो अभी हम लोग करेंटली पहुँचे हैं नागपुर. ऐसे तो हमें नागपुर पहुँचना चाहिए था अराउंड 1:15-1:30 PM तक, बट हम काफ़ी लेट हैं. वेल अब हम पता नहीं कितना, आई गेस 2 घंटे ट्रेन डिलेड है. तो हम लोग कल सुबह मतलब अराउंड 5 AM और मे बी 6 AM तक हम लोग पहुँचेंगे LTD मुंबई. देन उसके बाद वी विल गो टू होम एंड हाँ, घर का खाना, घर का नहाना, घर का मौसम ये अलग होता है बस. और क्या, और मैं वैसे आपको नतुला के बारे में बताना चाहता था कि उस दिन क्या सीन हुआ था. बट उससे पहले आप लोग नतुला का थोड़ा सा सीनरी एंड जगह क्या है वो ज़रूर देखिए. क्या हाल है फिलहाल? स्नो इंडिया के कुछ फील ही नहीं हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है. इतना ठंडा कभी नहीं था यहाँ पे. स्नोफॉल फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा एंड सो फार सो गुड. हैव अ लुक. We have to fight. वैसे नथुला का जो है इट्स अ रियली वेरी सैड स्टोरी. काइंड ऑफ चीज़ें बहुत बहुत उलझी सी हो गई क्योंकि हुआ ये कि हमें बोला गया, हमारा वैसे 90 लोगों का ग्रुप है जो जाने वाला था नथुला. नथुला पास जो है वो एक इंडो चाइना बॉर्डर है, तो वहाँ पर पूरा आर्मी का बेस है, आर्मी कैंप पूरा सेटअप रखा है और वहाँ पर कोई भी अहरा गहरा इंसान ऐसे ही नहीं जा सकता है. इट रिक्वायर्स अ परमिट एंड परमिट का हर बार प्राइस चेंज होता है. लाइक अगर अभी जैसा विंटर सीजन चालू है तो वहाँ पर स्नो काफ़ी रहता है, तो लोग काफ़ी उत्साहित रहते हैं कि हमें आना है वहाँ पर, देखना है उस ठंडी में जाना है, स्नोफॉल देखना है. तो लाइक अब सीज़न है तो अराउंड 800 रुपीज़ कॉस्ट किया था हमें बराबर दर में. तो और बाकी 200 रुपीज़ जो ड्राइवर्स है पर पर्सन एज अ पर पर्सन कॉस्ट करते हैं. तो हम लोगों ने 1000 रुपीज़ पे किया उसका, तो टोटल हमारे 90 लोग हैं एंड कुल मिला के हमारे 10-11 गाड़ी थे ऐसे जाने के लिए. तो हुआ ये कि हम लोग को परमिट के हिसाब से बिठाया गया, उस हिसाब से मैं अलग, यश अलग और तन्मय अलग, हम तीनों अलग हो चुके थे. तो हुआ ये कि जो ड्राइवर्स हैं उन्होंने हमें अलग अलग जगह पे रुकाया सो दैट वी कैन वेयर दैट जैकेट्स बूट्स जो मतलब नीड, जिस चीज़ का ज़रूरत है हमें वहाँ पर, वरना हमें ठंड लगेगी. क्योंकि वहाँ पर नथुला में जब हम पहुँचे तो अराउंड -10 degrees के करीब था, बट आफ्टर एंट्रिंग नथुला पास स्नोफॉल चालू हो गया था, वेदर कंडीशंस कंटिन्यूसली चेंज हो रहे थे, आई मीन इंक्रीज हो रहे थे, मतलब वो स्नोफॉल जो है वो बढ़ रहा था कंटिन्यूस. जैसे हम लोगों ने एंट्री मारा जहाँ पर
चेक पोस्ट के पहले जहाँ पर हमने शूज़ वगैरह गम बूट्स पहने वो सब पहने, तभी स्नोफॉल थोड़ा थोड़ा चालू हो गया था. बट देन थोड़े टाइम बाद ड्रेस्टिक चेंज हो गया एकदम वहाँ पर. सो उसके बाद यह हुआ कि हमें ड्राइवर से सब अलग अलग जगह पे रुकाया और हम काइंड ऑफ अलग हो गए. बट देन हम थोड़ा आगे गए तो हमारे करीब करीब 6 या 7 गाड़ियाँ लाइन से रुकी हुई थी एक जगह पे. हमारे हम भी वहाँ जाके रुके. फिर तन्मय को परमिट के हिसाब से उसके गाड़ी में बिठाया एंड देन ही वेंट. एंड देन यश को भी बिठाया उसके गाड़ी के परमिट के गाड़ी के हिसाब से एंड देन ही ऑल्सो वेंट. ऐसा करके 2 से 3 गाड़ी गई एंड देन ये हुआ कि वेदर और ख़राब होने लगा. सो फिर हमें बोला गया करके गाड़ी में बैठो और रिटर्न होटल जाओ. तो मैं बैठा गाड़ी में और हम होटल रिटर्न गए. एंड ऑन द वे इतना हालत ख़राब हो रहा था कि लाइक गाड़ियाँ स्लिप होने लग रही थी एंड इट वॉज लाइक डिजास्टर स्टफ जो होता है ना, लाइक जो फील होता है लाइक अब मुझे कुछ होने वाला है वो चीज़ हो रही थी. थैंक्स यश. हाँ खाना ज़रूरी है वरना मज़ा नहीं आता है बात करने में. सो फिर ऑन द वे मैं तन्मय को कॉल कर रहा हूँ, यश को कॉल कर रहा हूँ कि उसका हुआ कि नहीं अभी तक नाथुला पास में एंट्री मिला कि नहीं, क्योंकि वो वेदर कंडीशंस के वजह से स्नोफॉल का नाथुला पास को जो एंट्री है वो कम्प्लीटली बंद किया था. तो मैं यश को कॉल किया, तन्मय को कॉल किया, दे वर नॉट पिकिंग अप देयर फोन्स. सो मैं थोड़ा टेंस हो गया लाइक व्हाट हैपेंड, व्हाट्स गोना हैपन. और वैसे भी वहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि एज़ यू रीच नियर दैट नाथुला पास जो कि है 14,200 फीट पर, वहाँ पर रेंज बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं. तो अब करे तो करे क्या. तो मैं तो अपने दूसरे दोस्तों के साथ जो मेरे ट्रिप में है उनमें से कुछ लोगों के साथ आ गया था, नीचे तक आ रहा था. बट देन मैंने कॉल किया तन्मय को, उसका फ़ोन कभी भी रेंज में नहीं था. सो आई थॉट व्हाट्स हैपनिंग, मैं थोड़ा डर भी गया था एंड आई वाज लाइक यार ये आज का सबसे सैडेस्ट डे है क्योंकि कुछ हुआ नहीं. नो आई डिडंट मेड एनी कंटेंट सिंस मॉर्निंग दैट डे. तो उस चीज़ की वजह से मुझे काफ़ी उदासी थी कि लाइक क्या होगा, क्योंकि हमें स्पेशली 3 प्लेसेस विजिट करने थे. एक था नाथुला पास, उसके बाद था बाबा मंदिर, उसके बाद था सोंगो लेक. बट तीनों भी चीज़ें नहीं हो पाई. अब आगे क्या हुआ तन्मय बताएगा. तो विनायक का स्टोरी जितना ही थोड़ा ही उबड़ खाबड़ था, मेरा तो नेक्स्ट लेवल ही चला गया था. वो स्टार्ट बहुत ही अच्छा गया, वहाँ पे हम लोग ने शूट वगैरह भी, मैंने ब्लॉग वगैरह मोबाइल से भी शूट किया. पर जब डे एंड हुआ इट वॉज नॉट गुड एट ऑल. तो हुआ ये कि मुझे एज विनायक सेड मुझे परमिट मिल गया. मेरी गाड़ी के जो 2 लोग थे उनको नौशिया और थोड़ा ऑक्सीजन लो होने की वजह से, ब्रीदिंग इश्यूज़ की वजह से उन्हें वापस जाना पड़ा. तो जितने लोगों का चेकिंग हुआ उतने लोगों को ही भेजा. और हमारे यहाँ पे कैसा था कि स्नोफॉल मौसम हो चुका था पर स्नोफॉल स्टार्ट नहीं हुआ था, इसलिए 1-2 का ही चेक करके आईडी वगैरह, क्योंकि नेशनलिटी यू हैव टू बी इंडियन फॉर दैट क्योंकि इंडो चाइना बॉर्डर है. तो 2 जन का चेक किया एंड वी वर इन ऑन द वे. जैसे जैसे हम लोग नाथुला पास की तरफ पहुंच रहे थे बर्फ बढ़ते जा रही थी. पहले स्नो धीरे धीरे गिरने लग गई, हमें लगा वाओ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम स्नो. सब लोग बहुत ही खुश थे कि सेम, क्योंकि मैंने वैसे भी लाइफ में कभी स्नो देखा नहीं था तो मेरे लिए फर्स्ट टाइम था एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, मैं फर्स्ट टाइम लाइफ में स्नो फील कर रहा हूँ. It was amazing. तो हम लोग को फिर लग गया डर. तो हम लोग ने क्या किया कि हम लोग को बोला गया कि जाओ नाथुला बॉर्डर पे. हम लोग पहुंच गए, बोला कि 10 मिनट के अंदर अंदर वापस चाहिए तुम लोग. तो हम लोग गए, गाड़ी में बैठे पहुंचे वहां पे और फिर उसके बाद ऊपर गए. तो ऊपर जैसे ही हम लोग जा रहे थे तो ऑक्सीजन और कम हो रहा था, स्नोफॉल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था. तो हम लोग आए गाड़ी में बैठे तो ड्राइवर की ये गलती हुई कि उसने थोड़ा ही बॉर्डर से ही पहले, मतलब जहाँ पे चेकिंग वगैरह होता है उसी से पहले एक मैगी शॉप पे, खाने की शॉप पे उसने रुकाया
और बोला कि आपको कुछ खाने तो खाओ. तो हम लोग ने बोला ठीक है, हमें लगा कि वी आर सेफ. तो हम लोग मस्त उतर के वहाँ पे वाई वाई, यहाँ पे वाई वाई बोलते हैं कॉफी मैगी को, तो वाई वाई और मैगी दो अलग अलग चीज़ें मिलती है यहाँ पे. तो मेरे साथ निशिकेत, राणा वो लोग थे. और वहाँ पे एक्चुअली मैंने निशिकेत के वन प्लस फाइव टी में ही व्लॉग शूट किया था. तो हम लोग पहुँचे थे मैगी खाने के लिए. नो प्रमोशन था वन प्लस. If you want to sponsor, we are open. Just kidding. तो फिर हुआ क्या कि हम लोग वहाँ पे मैगी खाए और हम लोग ने पांच कॉफ़ी भी मंगाया. तो हम लोग जैसे ही मैगी आधा खा के हो गया था, तीन चार आर्मी ऑफिसर्स आ गए हमारे शॉप में और बोला कि जल्दी निकलो, आपकी आधी गाड़ी डूब चुकी है बर्फ में, पूरा गाड़ी नहीं डूबाना है, तो एज सुन एज पॉसिबल खाओ निकलो. तो हम लोग मैगी जितना जल्दी हो सके खाए और कॉफ़ी छोड़ दिया वहीं पे. पर पे तो हमें करना ही पड़ा. या वहाँ पे मैगी इतनी सी क्वांटिटी 60 रुपीज़. तो वो सब ठीक है, घर का मैगी बेटर रहता है अपना. मम्मी को ऐसा डबल डबल बनाओ सब्जी वब्जी डाल के अपना अपना. हमारे घर का मैगी मच मच बेटर रहता है, क्वांटिटी भी ज़्यादा, जितना मन करे खाओ पियो ऐश करो. हाँ कंटिन्यू. हाँ तो फिर वहाँ से हम लोग निकले. तो और कैसा है कि ऐसा लग ही नहीं रहा था इंडिया था, स्विट्जरलैंड वाला फीलिंग आ रहा था जहाँ पे लोग स्कीइंग वगैरह करते हैं. बस एक होगा कि बस सोंगो लेक में स्कीइंग करने का बाकी रह गया. आइस स्केटिंग हो रहा होगा, ये हो रहा होगा, वो हो रहा होगा. फुल आइस पैक्ड था और देखते ही देखते जो स्नोफॉल था वो स्नो स्टॉर्म में बदल गया. और हमारी गाड़ी जितना सीधा चल रही थी उतना ही टेढ़ा चलने लग गई. तो हमारा टोक्यो ड्रिफ्ट हो रहा था वहाँ पे. हमें एक्चुअली इमरजेंसी शॉर्टकट लेना पड़ा नाथुला से नीचे आने के लिए रैपिडली, क्योंकि ऊपर के रोड में ट्रैफिक लग चुका था और हमारा सबसे लास्ट गाड़ी था वहाँ पे. तो उसके बाद क्या हुआ मैं बताना चाहूँगा. लाइक जो उसके बाद चीज़ हुई, आई वॉज काइंड ऑफ रियली रियली मतलब झटका लगा था मुझे उस चीज़ के बाद, क्योंकि मैं होटल पहुंच चुका था और इसकी गाड़ी वहाँ टोक्यो ड्रिफ्ट मार रही थी बस. तो मैं होटल पहुंचा, मैं ऑर्गेनाइजर्स के साथ और हम जो लोग जिनका विजिट नहीं हुआ नाथुला पास, हम सब मिलके उनसे झगड़ा कर रहे थे कि यार क्यों नहीं हुआ, हमें हमारा मनी जो है हमें भरा है था, वो हमें रिटर्न चाहिए. एक्चुअली वो गलती ऑर्गेनाइजर्स की बिल्कुल नहीं थी, वो गलती थी जिसने ये टूरिज्म जो हमारा अरेंज किया उससे वो ठीक से परमिट बनाया नहीं हमारा. जिस हिसाब से हम लोग जो ड्राइवर्स थे उन्होंने पूरा इस चीज़ का वाट लगा दिया था हमारा. सो हुआ ये कि मैं हम लोग झगड़ा कर रहे हैं, उसका मैं डोर के इधर खड़ा हूँ कॉरिडोर में लॉबी में नीचे, तभी मैं कॉल मार रहा हूँ तब मेरे को ये आया नहीं. हम लोग तब तक बात कर रहे थे कि यार ये क्यों हुआ, सिर्फ चार गाड़ियाँ गई, बाकी गाड़ियाँ क्यों नहीं गई नाथुला पास के विजिट के लिए. वो सब चीज़ें चालू था और मैं तब मेरे को लाइक 10 मिस कॉल किया, 12 मिस कॉल किया, तब तक वो आया नहीं था. बोल भाई कुछ चाहिए? हाँ वड़ा पाव. अरे यार यार मन दिला यार भाई वड़ा पाव. तो वड़ा पाव की याद आ रही. वड़ा पाव की सच में बहुत याद आती है. वड़ा पाव, मिसल पाव, पोहा, अंडा भुर्जी. पानी आ गया. ओहो दे ओ सॉरी, बताते खाना जरूरी. थैंक यू. आगे ब्लॉग में जाओ. This is the whole group. Hi. Malla. Hi. Tanmay. तो मैं ये स्टोरी आपको आम पापड़ खा के बताना चाहूंगा जो अभी हमने ट्रेन में से खरीदा है. ओके. हाँ सो मैं लॉबी में खड़ा था और हम लोग सब झगड़ रहे थे स्टूडेंट्स मिलकर करके, ये सब क्यों हुआ, क्या हुआ, नाथुला क्यों नहीं जाने मिला. तो मैं खड़ा था, मैंने तन्मय को कॉल किया काफ़ी, लाइक वो कहाँ है कुछ पता नहीं चल रहा है, मैं कॉल कर रहा हूँ वो एक भी फ़ोन नहीं उठा रहा. सो आफ्टर दैट आई वाज स्टैंडिंग इन लॉबी एंड अचानक से वो दरवाज़ा खोल के आता है एंड देन लाइक जिस कपड़े में वो गया था, आई मीन जो जैकेट्स एंड बूट्स जो उसे पहना था वहाँ पर खरीद के, वो उसी कपड़े में आया.
आई वाज काइंड ऑफ शॉक्ड लाइक ये ऐसा कुछ चोरी तो करेगा नहीं बट ये ऐसा क्यों किया इसमें सो आई आस्क्ड हिम मैं नीचे खड़ा था ग्रुप में जहाँ हम लोग बातें कर रहे थे जो हुआ था सीन उस चीज का ये आया कॉर्नर में से डोर खोल के लास्ट था ये जो आया तो मैंने उससे पूछा क्या हुआ तो he was just like पूरा मंकी कैप ढका है हुड जो है उसका जैकेट को पहना हुआ था and he was coming inside I asked him क्या हुआ तो बताए कुछ नहीं then like and no ये जैकेट जो है ना ये जैकेट वो पहन के आया था ये वाला this jacket so उसके बाद after like around 5 minutes मैं I rushed to my room जो होटल रूम है मैं वहाँ पर गया एंड मैंने जैसे ही वहाँ पहुँचा तो यश था रूम में और वो खड़ा था डोर के अंदर एंड तन्मय डबल ब्लैंकेट लेके बेड पे पूरा तरीके से लपेट के सोया हुआ था ये क्या हो गया व्हाट्स हैपनिंग तो मैं एक सेकंड के लिए डर गया आई थॉट कि पता नहीं क्या हुआ ये बेहोश हो गया या बहुत हाई फीवर चढ़ गया इससे या पता नहीं मुझे कुछ पता नहीं क्या हुआ सो आई केम नियर तन्मय एंड ही वॉज टोटली रेड लाइक ए टोमेटो आई मीन क्या बोलूँ मैं अब लाइक इट्स नॉट अ थिंग टू लाफ बट उसकी कंडीशन सच्ची में अच्छी नहीं थी हुआ ये कि जो टेम्परेचर स्विच हुआ वहाँ पर झटके से उस वजह से उसे कोल्ड बर्न्स हो गए और उसे ज़्यादा ठंडी लगने लगी और सबसे बड़ी बात का जो इंसान को डर होता है मरने का नो वन लाइक्स टू डाई बिफोर ही कंप्लीट्स एवरीथिंग इन हिज लाइफ दैट ही वॉन्ट्स टू डू सो पर्टिकुलरली ये हुआ कि तन्मय को जाना था नॉर्मल वाले रास्ते से जहाँ से स्नो इज मीडियम रास्ता इज एन ओके स्टफ बट उसके ड्राइवर ने ये कहा कि उन्हें वो जल्दी छोड़ेगा एक शॉर्टकट रास्ते से लेके जाकर जहाँ रास्ते पे काफ़ी मिट्टी है काफ़ी स्नो है तो उस वजह से हुआ ये कि उसकी गाड़ी काफ़ी स्लिप हुई एंड काफ़ी बार वो खाई की तरफ उसका रोड काफी मतलब गाड़ी जो है स्लिप हो रहा था सो वन थिंग आई वॉन्ट टू से जो भी इंसिडेंट हुआ दैट कॉट मी ऑफ गार्ड तो हुआ ये कि बाकी सब गाड़ी वाले क्या कर रहे थे दे आर पुटिंग चेन और या तो फिर अपने सारे टायर का हवा थोड़ा कम कर रहे थे टू गेट ग्रिप ऑन दैट थिंग ऑन देयर व्हीकल पर हमारे ड्राइवर ने ऐसा कुछ नहीं किया और ना ही हमें गाड़ी से उतरने बोला बाकी और एक सुमो हमारे साथ थी हमारे ग्रुप की उन्होंने सब लोगों को उतार के चलने बोला क्योंकि इट वॉज अ वेरी रिस्की रोड और कुछ बैरियर्स वगैरह भी नहीं थे कि आप जाके गाड़ी जाके ठुक जाए इट वॉज लाइक फॉल स्ट्रेट डेथ तो हुआ ये कि हम लोग कैसे तो कैसे स्लिप ये वो स्नो पैक्ड रोड और हम लोग जैसे ही थोड़ा आगे गए वहाँ पे आर्मी के वैन्स वगैरह खड़े थे रोड पे गर्म पानी डाल रहे थे जिससे कि थोड़ा स्नो मेल्ट हो और वो जो भी मशीन्स जो कि रोड क्लियर करती हैं वो सब भी काम पे शुरू हो चुकी थी मतलब ये टाइम आ गया था कि या तो 5 या 10 मिनट और लेट हो जाता तो फिर ये श्योर थिंग था कि हमें आर्मी कैंप में ही हम 8 लोगों को रुकना था और हमारे पास कुछ भी नहीं था सिर्फ एक हमारा बैकपैक था और कुछ भी नहीं था नो फूड नो नथिंग और नॉट इवन माय सेल फोन चार्जर और सेल फोन तो यूज होगा ही नहीं रेंज भी था ही नहीं और फिर तो कैसे तो करके हम लोग वहां से निकले एंड मैं पूरे थैंक्स टू द ड्राइवर डूड नहीं ड्राइवर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया ड्राइवर का क्योंकि ही वॉज ऑल्सो शिट स्कैर्ड और हुआ क्या कि विनायक जैसे ही बोल रहा था कि पर कैसा कि मैं बेड पे लेटा हुआ हूँ ब्लैंकेट्स चढ़े हुए हैं फ्रेंड्स आके मुझे ऑइंटमेंट लगा रहे हैं हॉट वाटर बैग्स लगाई जा रही है मेरे पे और मैं बहुत काफ़ी अनकॉन्शियस था पर मैं सुन पा रहा था पूरा रूम पूरा जो कि पूरा होटल हमारा पूरे जो 90-100 लोगों का जो पूरा ग्रुप है उसमें से आधे से ज़्यादा लोग मेरे रूम में थे उस वक्त मुझे देखने के लिए और ये अफवाह फैल गई कि एक लड़का है वो लाल हो गया टमाटर जैसे मतलब व्हाट द हेल कुछ भी बोलना है तो और फिर जब रिसेंटली लोग ट्रेन में आ रहे थे गाड़ी में तो बोलता है कि डिस्कशन ये हो रहा था कि
दो तीन नए लोग तो बोलते हैं कि तुम लोग को पता है क्या, एक लड़का है ना लाल हो गया था. मैं बोला हाँ मैं ही था वो. अच्छा तू ही है वो टमाटर वाला लड़का. तो बोला मत करो प्लीज ऐसी चीजें मत फैलाया करो, वो थोड़ा टेम्परेचर स्विच और उसकी वजह से हुआ था. और फिर हुआ ये कि बहुत 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 ये हुआ कि काफ़ी टाइम बाद मैं रिकवर हुआ. और फिर उसके बाद हम लोग एम जी रोड गए, शॉपिंग वगैरह भी किया. और फिर वहाँ से आने के बाद एवरीथिंग वॉज गुड. वेल वैसे तो मैं बोलूँगा करके ये काइंड ऑफ अ डिप्रेसिंग डे था मेरे ट्रिप का सबसे ज़्यादा, क्योंकि मैंने जो सोचा था करके मैं बाबा मंदिर में जाके शूट करूँगा, सोंगो लेक में शूट करूँगा, सब प्लान्स कैंसिल हो गए. मैंने तो सोचा था यहाँ तक कि मैं एमजी रोड जाऊँगा शॉपिंग करने के लिए, तभी भी मैं शूट करूँगा. बट वो अंदर से मन से नहीं हो रहा था कि लाइक आई शुड शूट टुडे, क्योंकि हुआ ये कि आई वॉज सैड इनसाइड, क्योंकि मेरे फ्रेंड का जो हालत देखा मैंने आज, I never wanted to see him ahead like this. But then, ठीक है आज जो है सो है. And so अभी हम थोड़ा सा और मस्ती करेंगे ट्रेन में. अराउंड हमारा 12 आवर्स का जर्नी है करीब करीब, तो हम मस्ती करेंगे. और हमने आज फिर से डोमिनोज पिज़्ज़ा मंगाया ट्रेन में, जो कि हम खाएंगे, मस्ती करेंगे एंड सोएंगे तो नहीं ज़्यादा करके मोस्टली, क्योंकि हमारा ट्रेन अराउंड 4:50 या 5 अराउंड रुकेगा. और मैं जो आखिरी डेस्टिनेशन है हमारा LTD, तो सी यू एट LTD नाउ. So now it's around 6:05 AM in the morning and we have reached Thane railway station. और अभी हम जाएंगे घर. ट्रिप पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, सबको बाय वगैरह बोल दिया. अब घर की याद आ रही है, घर के खाने की याद आ रही है, सब चीज़ की याद आ रही है. तो अब हम घर जाएंगे, फिर से वही मज़े करेंगे. 10 दिन कहाँ निकल गए कुछ पता ही नहीं चला. कहाँ डे वन में हम लोग ट्रेन में बैठ के मस्ती कर रहे थे, कहाँ हम लोग वापस आ गए स्टेशन पर भी आ गए घर जाने के लिए. बहुत फास्ट निकला डे. आई विल मिस द ट्रिप रियली. कोई ना एक्सपेक्टेशंस मैच किया है ट्रिप में. हाँ वो तो है अभी, लेकिन अब हम सोच रहे हैं और एक ट्रिप करने का, हमारा दोनों का सिर्फ डुओ ट्रिप. लेट्स सी क्या होता है. तब तक के लिए मैं बाय तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि वैसे और वीडियोस आने वाले हैं अभी फोटोग्राफी से एंड वीडियोग्राफी से रिलेटेड. सो वो ट्यूटोरियल्स के लिए स्टे ऑन एंड लर्न समथिंग. तब तक के लिए बाय. And do like, share and subscribe this video. Peace. Peace out!